अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वॉच टाइम नहीं बढ़ता। वॉच टाइम नहीं बढ़ता डेफिनेटली व्यूज़ नहीं बढ़ते, और व्यूज़ नहीं बढ़ते तो आपके सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते। ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि किस तरीके से आप अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। आपको पता ही है यूट्यूब की पॉलिसी है, जिस वीडियो के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट होगी और वही वीडियो वायरल होगी। तो वायरल किस तरह से होगी, उसके ऊपर वॉच टाइम ऑडियंस रिटेंशन होगी, तभी तो वो वीडियो वायरल हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वॉच टाइम को इजी वे के साथ बढ़ा सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने वॉच टाइम को कम्प्लीट कर सकते हैं। वॉच टाइम कम्प्लीट होगा डेफिनेटली चैनल मोनिटाइज होगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके व्यूज बढ़ेंगे। वॉच टाइम बढ़ाने का पहला तरीका ये होता है कि आप अगर इनिशियल फेज के ऊपर हैं, चैनल को अभी से स्टार्ट किया है, तो आप अपनी वीडियो की लेंथ कम से कम रखें। कम से कम इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी उस वीडियो के ऊपर जितना रिटेंशन होगी वो वीडियो उतना ही वायरल होगी। यानी कि आपकी अगर 2 मिनट की वीडियो है, उसके ऊपर हाफ भी वीडियो देखी जाती है, तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस हैं। अगर उसी हिसाब से अगर 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो 15-20 सेकंड तक देखते हैं, तो वो वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी। और उसके साथ साथ आपने अपनी उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स डालने हैं। विजुअल इफेक्ट्स से मुराद ये है कि pixels.com या pixabay.com या कोई भी और Shutterstock हो सकती है वेबसाइट, वहाँ पर जाके जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो वहाँ पे एनिमेशन या अपना विजुअल दें। अपने विजुअल के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे 4K वीडियोज़ आपको मिलती हैं और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होती हैं, तो आप वहाँ पे आप सर्च करें, जहाँ पे आप मना कर रहे हैं तो मना करने वाला वहाँ पे एनिमेशन लगा दें, तो इससे जो है ना ऑडियंस ज़्यादा ग्रैब होती है, ऑडियंस फोकस करती है इसके हिसाब से। तो आपकी ऑडियंस जितना भी फोकस करेगी, यानी कि रिटेंशन आपकी वीडियो के ऊपर आएगी, आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस हैं। आपने वीडियो को शॉर्ट रखना है, शॉर्ट रखने के साथ साथ आपने तमाम का तमाम काम ये सिर्फ और सिर्फ आपने विजुअल इफेक्शन यानी कि वीडियो एडिटिंग अच्छी करनी है, ताकि वीडियो वायरल हो और आपकी ऑडियंस इंगेज रहे। जितना आप अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखेंगे उतना ही आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे मैंने YouTube के ऊपर भी रिसर्च किया, और रिसर्च करने के साथ साथ मुझे जो पता चला कि अंग्रेज़ क्या काम करते हैं, अंग्रेज़ों का तरीका बड़ा कमाल का तरीका मुझे पसंद है, और उसके हिसाब से मैं खुद भी एक प्रोफेशनल एज ए यूट्यूबर होने के बावजूद मैं उस वीडियो को फुल वॉच करने पर मजबूर हुआ। वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी ऑडियो विजुअल हटा देते हैं, वो स्क्रीन चला देते हैं, स्क्रीन चलाने के साथ साथ वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देते हैं, और जो वो अमल कर रहे होते हैं वो साथ साथ लिखते जाते हैं, ओपन फलां फलां, ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन स्टार्ट मेन्यू, ओपन जो भी वो उनका होता है वो उसका विजुअल टेक्स्ट की सूरत में देते हैं। और अब आपको बता दूँ कि जो इससे बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, आपका पूरा आई कॉन्टैक्ट उसके ऊपर रहता है। उसके बाद आपको ये आइडिया नहीं होता कि आपके मिनट्स कितने गुजर रहे हैं, यानी कि नीचे मिनट्स जो चल रहे होते हैं आपको आइडिया ही नहीं होता, आप विजुअल के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पे पढ़ते रहते हैं, जो भी टेक्स्ट होता है उसकी बेस के ऊपर उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा उससे अर्निंग भी कमाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो उसको फोकस कर लेते हैं, या उस काम से जो ऑडियंस ग्रैबिंग है वो ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी बताना चाहूँगा कि आपने ये काम करना है, लेकिन ऑडियोज़ कहाँ से डाउनलोड करनी है, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से आपने वहाँ पे बैकग्राउंड लगा देना है, और बैकग्राउंड लगाने के साथ साथ आप जो काम करें, यानी कि आप कोई वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं या किसी ऐप के हवाले से बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप साथ साथ इस साइट के ऊपर या इस साइट के ऊपर लिखते जाएँ, या जहाँ पर भी आप लिखना चाहें, यानी कि एक विजुअल क्रिएट करें, इससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा फोकस होती है। अभी मैं आपको चैनल भी दिखाता हूँ कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, आप भी उस तरह का काम करके अपनी अच्छी खासी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वहाँ पे विजुअल दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो कि किस तरीके से आपने काम करना है। दोस्तों यहाँ पे देखें, वो अपने विजुअल के साथ साथ टेक्स्ट में भी उसकी वजाहत करते जा रहे हैं, हमें हमारा टॉपिक मिल रहा है और उनको अच्छी खासी इंगेजमेंट मिल रही है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, आप भी कर सकते हैं इसको फोकस करके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।